कोलोन, अप्रैल 2018। पश्चिमी जर्मनी के शहर में अचानक बहुत से लोगों में सर्दी, खांसी और जुकाम के लक्षण दिखे। होलवाइडे अस्पताल में बतौर पैरामेडिक काम करने वाले अलेक्स जावर भी बीमार पड़ने लगे। पहले उन्हें लगा कि फ्लू है जो हर साल आता है, लेकिन दरअसल उन्हें चेचक था। दोनों बीमारियों के शुरुआती लक्षण एक जैसे ही होते हैं, थकान, गले में दर्द, खांसी। चेचक छूत की बीमारी है, इसका वायरस हवा के जरिए भी फैलता है। कोलोन में चेचक के सारे मामले शहर के स्वास्थ्य विभाग में दर्ज होते हैं। अप्रैल तक सिर्फ 8 लोगों में इस बीमारी का पता चला। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। स्वास्थ्य कर्मियों ने पाया कि शहर का सिर्फ एक इलाका इससे प्रभावित है, एहरनफेल्ड। तो क्या ये किसी महामारी के शुरू होने का संकेत था? अलेक्स जावर तुरंत अपने डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उन्हें गले के लिए कुछ एंटीबायोटिक दे दी। फ्लू जैसे लक्षण होने की वजह से चेचक की अक्सर जल्दी पहचान नहीं हो पाती है। शरीर पूरी तरह टूटने लगता है, इसे बता पाना भी मुश्किल है। आप कुछ करने के काबिल नहीं रहते। 104 फारेनहाइट से ऊपर बुखार रहता है, भूख नहीं लगती, वजन घटने लगता है, बहुत पसीना आता है। ना आप सो सकते हैं और ना ही जगे रह सकते हैं। ये बेबसी मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, तो मुझे इस बारे में कुछ करना था। उन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जल्द ही उनकी त्वचा पर लाल निशान दिखने लगे। फिर डॉक्टर को पता लगा कि उन्हें चेचक है। अलेक्स जावर एक हफ्ते तक अस्पताल में रहे, बिल्कुल अलग कमरे में। टेम्परेचर 104 फारेनहाइट के आसपास रहा और उनकी आंखों में भी समस्या होने लगी। अगर आपको चेचक है तो कंजेटिवाइटिस हो ही जाता है। मेरे मामले में तो इतना गंभीर हो गया कि 3 दिन के भीतर मुझे कुछ भी दिखना बंद हो गया। मुझे आकार दिखते थे लेकिन फोकस में नहीं कर पाता था। ये सबसे ज्यादा चिंता की बात थी। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना डर गया था। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के पास हर दिन चेचक के नए मामले सामने आने लगे। तुरंत कदम उठाने की जरूरत थी। जल्द से जल्द उन लोगों को ढूंढना था जो बीमार लोगों के संपर्क में आए थे, ताकि उनसे बीमारी और आगे ना फैले। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अहम बात जो हमने महसूस की वो ये थी कि चेचक पूरे शहर में फैल गया था। ये सचमुच चिंता का बड़ा कारण था। शहर में चेचक फैल रहा था। 40 मामले हो गए, एक साल पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा। मई 2018, कोलोन में डॉक्टरों के पास ऐसे मरीजों का तांता लगने लगा जिनकी त्वचा पर रैशेज थे। ये चेचक था। जब तक ये रैश त्वचा पर उभरते हैं, उससे 5 दिन पहले से मरीज दूसरे लोगों में ये बीमारी दे सकता है। उन लोगों को बीमारी लग सकती है जिन्होंने इसे बचने का टीका और दूसरे सुरक्षात्मक उपाय नहीं अपनाए हैं। जून 2018, चेचक से पीड़ित एक महिला प्रसव पीड़ा में थी। उसे तेज बुखार था, माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा था। उसे एक आइसोलेटेड कमरे में अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा। माँ और बच्चा दोनों बच गए, बीमारी से भी उबर गए। चेचक के मरीज अक्सर अस्पतालों में आ रहे हैं। कुछ मरीज तो उठ भी नहीं पाते और कई नौजवान भी एक हफ्ते तक लगातार डायपर पर ही होते हैं क्योंकि वे बिस्तर से उठ नहीं सकते। फिर चेचक के कई मरीजों में एंसेफेलाइटिस होने लगता है। कई बार तो स्थिति सचमुच भयानक होने लगती है। कभी कभी दिमाग को नुकसान बहुत धीरे धीरे होता है, इसका पता 7 या 8 साल बाद चलता है। फिर ये घातक होता है, तब कुछ नहीं किया जा सकता। कोलोन में चेचक के मरीजों की संख्या बढ़ती रही। आंकड़ा 135 के आसपास हो गया। जुलाई 2018, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी 2400 घंटे काम कर रहे थे, तब भी वे इस बीमारी को नहीं रोक पा रहे थे। जरूरत निर्णायक कदमों की थी। शहर में पोस्टरों के जरिए लोगों से चेचक का टीका लगवाने को कहा गया। हमने शहर की बसों और मेट्रो ट्रेनों में चेचक के टीके को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। हमने स्थानीय फुटबॉल क्लब को भी अपनी कोशिशों में शामिल किया। उसने अपने फैंस के बीच जागरूकता फैलाई। स्वास्थ्य विभाग ने शहर में विभिन्न जगहों पर टीकाकरण वाहन पहुंचाए। वहां डॉक्टर टीकाकरण के रिकॉर्ड चेक करते और मशविरा देते। जरूरत पड़ने पर तुरंत टीका भी लगा देते।
ज्यादातर लोगों में इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। 10% लोगों में इंजेक्शन वाली जगह पर कुछ सूजन या त्वचा लाल हो जाती है। रणनीति कामयाब रही, चेचक के नए मामले सामने नहीं आए। मरीजों का आंकड़ा अब भी 139 पर रुक गया। अगस्त 2018, कोलोन में चेचक का कोई नया मामला नहीं दिखा। महामारी को रोक लिया गया, लेकिन चीजें हर जगह इतनी सहज नहीं होती। जर्मन शहर ड्यूइसबुर्ग और एसन में 2017 में चेचक के 385 मामले हुए थे। एक महिला की मौत भी हो गई। बर्लिन में 2015 में चेचक के 1344 मामले थे, वहां एक बच्चा इसे मारा गया। कोलोन में इससे किसी की मौत नहीं हुई। एलेक्स जावर भी अब फिट हैं, लेकिन ठीक होने के बाद से उन्हें चश्मा पहनना पड़ रहा है। मैं एक हफ्ते तक तेज बुखार में रहा, दर्द में रहा, सो नहीं पाया, खा नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया। अपनी जान की चिंता होने लगी, बहुत हड़बड़ी थी, बेबसी थी। ये सब झेलने के बाद आपको मेरी सलाह है कि डॉक्टर के पास जाइए, टेस्ट कराइए। कोलोन में चेचक के फैलाव को रोक लिया गया, लेकिन फिर से नए मामले सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी तो खत्म नहीं हुई है।